आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मनी, मुद्रा के कार्य। मुद्रा का आविष्कार यदि हम देखें तो वो मुख्यतः वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए हुआ था। विभिन्न विद्वानों द्वारा मुद्रा के विभिन्न कार्य बताए गए हैं। प्रारंभ में मुद्रा के चार कार्य बताए गए: विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, स्थगित भुगतानों का मान एवं क्रय शक्ति का संचय। ये मुख्य कार्य कहे गए थे। जैसे क्राउथर, प्रोफेसर क्राउथर ने भी कहा है, मनी इज ए मैटर ऑफ फंक्शंस फॉर ए मेजर, ए मीडियम, ए स्टैंडर्ड, ए स्टोर। मुद्रा के हैं कार्य चार: माध्य, मान, माप, भंडार। अर्थात प्रारंभ में जब अर्थव्यवस्थाएं इतनी विकसित नहीं थी तब मुद्रा के यही कार्य माने जाते थे कि मुद्रा विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, स्थगित भुगतानों का मान और शक्ति संचय के रूप में कार्य करती है। लेकिन जैसे जैसे आर्थिक क्रियाओं का विस्तार होता गया, अर्थव्यवस्थाओं में जटिलताएं बढ़ती गईं, वैसे वैसे मुद्रा के कार्य भी बढ़ते गए। यदि अब वर्तमान में हम देखें तो मुद्रा के कार्य अनेक हैं। जैसे प्रोफेसर कीनले ने इन्हें तीन वर्गों में मुख्यतः विभाजित किया था। पहला था मुद्रा के अनिवार्य कार्य, जिन्हें प्राथमिक कार्य भी कहा जाता है, प्राइमरी फंक्शंस। दूसरा, मुद्रा के वैधपन कार्य या उसके सहायक कार्य या उसके द्वितीयक कार्य, तो वो हो गए सेकेंडरी फंक्शंस। तीसरा हम कह सकते हैं कंटिंजेंट फंक्शंस, आकस्मिक कार्य। और इसके अलावा भी जो अदर कार्य हैं मुद्रा के, उसे हम फोर्थ पार्ट में अदर फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। अर्थात यदि हम विभिन्न विचारकों, अर्थशास्त्रियों के और आज के जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा निरंतर नई नई भूमिका निभा रही है, उन सभी कार्यों को क्लासिफाई करें, उनका वर्गीकरण करें, तो मुख्यतः हम उसे चार भागों में बांट सकते हैं: प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस, कंटिंजेंट फंक्शंस, अदर फंक्शंस। प्राथमिक कार्य, जिन्हें अनिवार्य कार्य भी कहा जाता है, सेकेंडरी फंक्शंस, जिन्हें हम द्वितीयक कार्य या सहायक कार्य या व्युत्पन्न कार्य भी कहते हैं। तीसरा, आकस्मिक कार्य, कंटिंजेंट फंक्शन, और इन तीनों में जो नहीं आते वो हमने फोर्थ कैटेगरी में अदर फंक्शंस में डाला है। प्रोफेसर कीनले ने तो ये तीन भाग ही बताए हैं, लेकिन इसके अलावा जो भी और एक्स्ट्रा मनी के फंक्शंस शेष रहते हैं उन्हें हम अदर फंक्शंस में डाल सकते हैं। एक तो मनी का ये क्लासिफिकेशन है। दूसरा, प्रोफेसर पॉल इंजिंग द्वारा भी मुद्रा के कार्यों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया: स्टैटिक फंक्शंस और डायनेमिक फंक्शन। स्टैटिक फंक्शंस मतलब स्थैतिक कार्य और प्रावैकिक कार्य। ये क्लासिफिकेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम जो मुद्रा के ये चार कार्य हमने देखे उनको क्लासिफाई या उनका अध्ययन हम करेंगे। अब मुद्रा के प्राथमिक कार्य जो है उसमें तीन दो कार्य मुख्यतः आते हैं: विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, मूल्य का मापन। पहला क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक कार्य होते क्या है। प्राथमिक कार्य मुद्रा के ऐसे कार्य हैं जिन्हें आधारभूत कार्य, अनिवार्य कार्य तथा मौलिक कार्य भी कहा जाता है, क्योंकि इन कार्यों को मुद्रा ने प्रत्येक काल, प्रत्येक देश तथा स्थिति में किया हो, चाहे मुद्रा का स्वयं का स्वरूप कुछ भी रहा हो। अर्थात जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ है वस्तु विनिमय के बाद, मुद्रा ये कार्य करती ही आ रही है, चाहे मुद्रा का खुद का रूप किसी भी रूप में हो, मतलब धातु मुद्रा के रूप में हो, पेपर करेंसी के रूप में हो, किसी उसका निजी स्वरूप कुछ भी रहा हो, लेकिन मुद्रा ये कार्य अपने आविष्कार जब से उसका हुआ है तभी से करती ही आ रही है, इसलिए उसको हम प्राथमिक कार्य कहते हैं। अब इसमें पहला कार्य है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम। क्योंकि हम जानते हैं कि मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण होता है, अतः यह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। जैसे हम देखें वस्तु विनिमय काल में दोहरे संयोग का अभाव एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो मुद्रा, जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ, मुद्रा के प्रयोग ने इस समस्या को या विनिमय के माध्यम की जो प्रॉब्लम्स आती थी उसको हल कर दिया है, उसको इजी बना दिया है।
विनिमय का कार्य यदि हम देखें तो उसमें दो भाग होते हैं, एक तो वस्तु तथा सेवा को मुद्रा में बदलना जिसे हम विक्रय कह सकते हैं, और दूसरा मुद्रा के बदले अपनी आवश्यकता की वस्तुएं अथवा सेवाएं प्राप्त करना जिसे हम क्रय परचेज कहते हैं। अर्थात वर्तमान युग में संपूर्ण विनिमय मुद्रा के माध्यम से ही होता है। परचेज सेल्स ये सारी, क्रेडिट सेल ये सारी एक्टिविटीज मनी के माध्यम से ही, मुद्रा के माध्यम से ही हम कर पाते हैं। मुद्रा ही विनिमय के माध्यम का सुदृढ़ इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास। दूसरा इसका कार्य है मूल्य मापन। विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्यांकन मुद्रा के मापदंड द्वारा ही किया जाता है। क्राउथर ने भी कहा है, मुद्रा लेखे की इकाई के रूप में कार्य करती है। यह मूल्य के मापदंड अथवा सर्वमान्य मापक का मतलब जिससे हम अन्य सभी वस्तुओं की तुलना कर सकते हैं, उसका कार्य करती है। अर्थात जब भी हम बाजार में कोई ट्रांजेक्शन अपनी या अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका मूल्य मापते हैं। मतलब बाजार में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु तथा सेवा की कीमत हम किस में व्यक्त करते हैं, मुद्रा में व्यक्त की जाती है, और उसी के आधार पर पहले हम उसका मूल्यांकन करते हैं, उसी के आधार पर हम विनिमय संबंधी निर्णय करते हैं कि हमें लेना है या नहीं लेना है। यदि अब हम इन दोनों कार्यों को देखें तो विनिमय का माध्यम और मूल्य मापक कार्य दोनों ही आपस में संबंधित हैं, क्योंकि पहले हम मुद्रा के द्वारा किसी भी वस्तु का मूल्यांकन करेंगे, मूल्य मापेंगे, तभी तो हम उसका विनिमय करेंगे। अर्थात ये दोनों कार्य मुद्रा के बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं, ये आपस में संबंधित हैं। पहले हम वस्तु का मूल्यांकन करते हैं और उसी के मूल्यांकन के आधार पर हम ये निर्णय करते हैं कि हमें इसका विनिमय करना है या नहीं। इसलिए ये दोनों कार्य एक तरह से आपस में बिल्कुल बंधे हुए हैं। इनको हम अलग अलग इनको हम डिसाइड या इनका वर्गीकरण करना इतना आसान नहीं होता। अब आते हैं दूसरा, मुद्रा के दूसरे कार्य, सेकेंडरी फंक्शन, सहायक कार्य, द्वितीयक कार्य अथवा गौण कार्य। मुद्रा के कुछ कार्य ऐसे हैं जो प्राथमिक कार्यों में सहायक हैं और जिनका महत्व अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, वो मुद्रा के सहायक कार्य, द्वितीयक कार्य की श्रेणी में आते हैं। इसमें मुख्यतः तीन आते हैं, स्थगित भुगतानों का आधार, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, दूसरा स्टोर ऑफ वैल्यू, मूल्य संचय का आधार, और तीसरा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मूल्य हस्तांतरण का साधन। स्थगित भुगतानों का आधार मतलब स्थगित भुगतान कौन से होते हैं, ऐसे भुगतान जिन्हें हम तत्काल नहीं करके भविष्य के लिए स्थगित करते हैं, वे स्थगित भुगतान कहलाते हैं। इन भुगतानों का आधार मुद्रा ही होती है। इन भुगतानों का आधार मुद्रा ही होता है। इस कार्य के लिए यदि हम देखें तो जितने भी प्रकार के देशी या विदेशी ऋण होते हैं या उनकी ब्याज दर, ये सब मुद्रा में ही तय की जाती है, और स्थगित भुगतानों के लिए मुद्रा ही अधिक उपयुक्त आधार है, क्योंकि अन्य वस्तुओं की अपेक्षा मुद्रा का मूल्य अधिक स्थिर होता है, उसमें टिकाऊपन भी अधिक होता है, और सबसे बड़ी बात मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण होता है। अर्थात जनता द्वारा उसको इजीली पेमेंट के रूप में या अपने भुगतान प्राप्त करने के लिए स्वीकार किया जाता है। हालांकि वर्तमान युग में मुद्रा का मूल्य भी इतना स्थिर नहीं है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन फिर भी भावी भुगतानों के लिए मुद्रा ही, अन्य वस्तुओं की अपेक्षा मुद्रा ही अच्छा आधार है। दूसरा है मूल्य संचय का आधार। वस्तु विनिमय प्रणाली में यदि हम देखें तो वस्तुओं के माध्यम से हम एक्सचेंज करते थे तो भविष्य के लिए बचत करना कठिन अथवा असंभव होता था, क्योंकि वस्तुओं में टिकाऊपन का गुण नहीं था, उनमें मतलब वो क्षय होने का डर डर होता था, और दूसरा वो यदि उनको हम संग्रहित करें तो स्थान भी अधिक गिरते थे, तो इतना उनको हम संचय करके नहीं रख सकते थे। लेकिन मुद्रा के आविष्कार के बाद से मूल्य संचय का कार्य अत्यंत सरल हो गया है, क्योंकि मुद्रा में टिकाऊपन का गुण होता है, इसके साथ साथ थोड़े से स्थान में हम इसको आसानी से
जमा कर सकते हैं। और आजकल तो यदि हम देखें तो मुद्रा के इतने अनेक वर्चुअल रूप आ गए हैं कि हमें मुद्रा को हम एक छोटे से कार्ड पे भी आसानी से संग्रहित कर सकते हैं। इसके साथ ही मुद्रा पर हम उसको जमा करके या उसको बैंक आदि में डिपॉजिट कराकर उस पर ब्याज भी कमा सकते हैं। तीसरा जो कार्य आता है वो है मूल्य हस्तांतरण का साधन, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। आधुनिक काल में विनिमय के क्षेत्र यदि हम देखें तो बहुत विस्तृत होते हैं। मुद्रा में हम जानते हैं पोर्टेबिलिटी, वहनीयता का गुण होता है। इससे हम आसानी से मुद्रा को कहीं भी मतलब मुद्रा के रूप में हम क्रय शक्ति को आसानी से कहीं भी हस्तांतरित कर सकते हैं। तो मुद्रा में पोर्टेबिलिटी, वहनीयता का गुण होने के कारण हम मूल्य हस्तांतरण का कार्य भी आसानी से करके आर्थिक जीवन को गतिशीलता दे सकते हैं और आर्थिक विकास में प्रोत्साहन दे सकते हैं।